अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा बबली ने अपने कार्यालय में भगवान श्री परशुराम चालीसा का विमोचन किया। इससे पहले सुरेंद्र शर्मा बबली ने भगवान श्री परशुराम जी की आरती का भी विमोचन किया था। इस अवसर पर बबली ने कहा कि भगवान श्री परशुराम का वर्णन हिंदू पुराणों में मिलता है। हमें विश्व शांति और सद्भाव के लिए रोज इनकी आरती और चालीसा का पाठ करना चाहिए। जब से ये युग बने हैं, सत द्वापर त्रेता और अब कलयुग, चारों युगों में भगवान परशुराम जी का वर्णन है। और जो हमारे सप्त चिरंजीवी हैं उनमें भगवान परशुराम जी शुमार हैं। अब आने वाले समय में कल्कि जी अवतार लेंगे, उनको शिक्षा दीक्षा देकर तब भगवान परशुराम पुनः विश्राम की मुद्रा में चले जाएंगे। तो चारों युगों में भगवान परशुराम जी का वर्णन है। नहीं, इससे पहले कोई चालीसा नहीं थी। हमने भगवान परशुराम जी की चालीसा स्वयं लिखी है और आरती स्वयं बनाई है। उसको हमने सभी के साथ मिलकर सर्व समाज और जो भी हमारे संत महानुभाव हैं, हमने उनके सबके चित्रण और चरित्र दर्शाने का पूर्ण प्रयास किया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अगर किसी भक्त को इनकी आरती और चालीसा चाहिए तो वो अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा के यूट्यूब चैनल या ब्राह्मण सभा के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। प्राइम हरियाणा के लिए फरीदाबाद से सरूप सिंह।